फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान यानी कि जनजाति से पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में जनजाति से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि जनजाति से यहाँ पर मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, विद्रोह से, जनजाति विद्रोह से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आज के टोटल क्लास हम देखने वाले हैं 50 MCQ। टेस्ट सीरीज चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि किसी जाति को जनजाति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 161 उप समूह है, ठीक है। 42 प्रकार की क्या पाई जाती है? जनजाति, जिसमें 161 उप समूह है, ठीक है। बिल्कुल क्लासेस करा रहे हैं बेसिक के साथ, ये आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। टेस्ट चल रहा है 50 MCQ के साथ। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास चल रही है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन, SI भर्ती, साथ ही प्री CGPSC प्री एग्जाम के लिए और ADO यानी कि सभी एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में, ठीक है। आप सभी के लिए 50 MCQ लाए हैं। अगर जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। यह क्लास आज 7:30 बजे लग रही है, ठीक है। यह क्लास आपका आज 7:30 बजे लग रही है, ओके। कंप्यूटर की क्लास कल 9:00 बजे होगी। कंप्यूटर की जो क्लास है 9:00 बजे 50 MCQ कराया जा रहा है उसमें टोटल, ठीक है। 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है, बिल्कुल फ्री क्लासेस लेगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क क्लासेस है, ठीक है। देखिए गणित की क्लास आज होने वाली थी लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। कल से आपका गणित की क्लास 5:00 बजे बिल्कुल क्लासेस रहेगी। तैयारी के साथ आप तैयार हो जाइएगा छात्रावास अधीक्षक की तैयार। इसका आंसर ए हो जाएगा, 342, ओके। चलिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के जनजाति पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। अगर इसमें उप समूह की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में 161 उप समूह है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, 161 उप समूह पाया जाता है। इसके बाद आपका होगा छत्तीसगढ़ में जनजाति में टोटम क्या होता है? तो टोटम क्या होता है? टोटम एक क्या है? गण चिन्ह है, गण चिन्ह, ठीक है। टोटम एक गण चिन्ह होगा, ओके। टोटम क्या होगा? एक गण चिन्ह होगा। फाइनली देखिए आप सभी के लिए मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये व्यापम और PSC में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ऐसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिला तो सबसे पहले मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना, ठीक है। मैं ऐसी गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं स्टूडेंट लोग, एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद है छत्तीसगढ़ में जनजाति की कुल जनसंख्या, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। छत्तीसगढ़ में जनजाति की कुल जनसंख्या है आपका 78.22 लाख, ठीक है, 78.22 लाख, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस जिले में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये आपका देखिए किस जिला में, तो सरगुजा जिले में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। कौन सा? सरगुजा, इसको नोट कर लीजिएगा, सरगुजा जिला है जिसमें जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, ओके। इसके बाद है जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या, इसमें देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जनजाति की अधिकतम संख्या, उसके बाद न्यूनतम संख्या, उसके बाद सर्वाधिक प्रतिशत वाला जनसंख्या, उसके बाद न्यूनतम प्रतिशत वाला जनसंख्या, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? नारायणपुर। जो छत्तीसगढ़ में जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या क्या है? नारायणपुर में, जबकि अधिकतम सरगुजा, इसको नोट कीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ जनजाति में अधिकतम कहाँ पाया जाता है? सरगुजा, ठीक है, अधिकतम में सरगुजा है और न्यूनतम यहाँ पर पूछा गया है तो आपका नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर, ओके। चलिए इसके बाद छत्तीसगढ़ में जनजाति का
छत्तीसगढ़ में जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो आप बताइएगा 30.62 यानी कि 30.62% होगा जनजाति की कुल प्रतिशत। ओके, इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति निम्न में से कौन सा, सबसे पिछड़ी जनजाति आपका अबुझमाड़िया है। ठीक है, ये उप जनजाति है। किसकी? गौण जनजाति की उप जनजाति है। ठीक है, जो अबुझमाड़िया है गौण जनजाति की उप जनजाति है। ठीक है, इसके बाद है जनजाति सामाजिक दृष्टि से सबसे ऊंची जनजाति कौन सी है, तो आपका हो जाएगा भथरा। ठीक है, भथरा जो है आपका दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सबसे ऊंची जनजाति। मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप व्यापम की तैयारी करो चाहे पीएससी की करो, ऐसे एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्या आएगा इसका आंसर, द गोंड ऑफ द बस्तर के लेखक कौन है। द गोंड ऑफ बस्तर के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। ओके, क्षेत्रा किस जनजाति का पर्व है, जो क्षेत्रा होता है गोंड जनजाति का पर्व है। ठीक है, गोंड जनजाति का पर्व है। चरघिया विवाह किस जनजाति में होता है, चरघिया विवाह ये गोंड जनजाति में होता है। ठीक है, कौन से जनजाति में, गोंड जनजाति में। इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति मुख्यतः किस जिले में या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो बैगा जनजाति होता है आपको कवर्धा और मुंगेली। ठीक है, कवर्धा और आपका मुंगेली होगा, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उसके बाद बिंझवार किस जनजाति की उपजाति है, बिंझवार ये बताइए, बैगा जो बिंझवार है आपका बैगा जनजाति की उपजाति है। इसके बाद है बैगा जनजाति का प्रमुख पर्व निम्न में से कौन सा है, तो इनमें जो बैगा जनजाति है उसका पर्व कौन सा है, तो इसमें कौन सा है पर्व, रस नवा। ठीक है, रस नवा, ये नवा खानी नहीं आएगा, है ना, रस नवा है। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है बिल्मा। क्या होता है, बिल्मा।